बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड यू विल बी ओके, एंड आई होप यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर स्टडीज। टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट नंबर 9, व्हिच इज प्रेयर। नाउ दिस पोएम इज अ प्रेयर एंड इट इज अ प्रेयर फ्रॉम गॉड टू शो द राइट पाथ, The path of those people on whom you have showered your blessings। ये नज़म जो है ये एक दुआ है और इस दुआ में शायर जो है वो अल्लाह ताला से ये कह रहा है कि मुझको सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अब इस ये बेसिक थीम है इस पोएम का कि द पोएट is praying to God for guidance in his life। शायर अल्लाह ताला से रहनुमाई के लिए, अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए दुआ कर रहा है। Now let's move towards our whiteboard prayer। अब पहला जो question है वो है कि what does the poet want from Allah in the first stanza? पहले stanza के अंदर शायर अल्लाह ताला से किस चीज़ की दुआ कर रहा है? In the first stanza, the poet prays to be shown the right path। पहले stanza के अंदर शायर अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा है कि मुझको सीधा रास्ता दिखा, ठीक है, right path। किन लोगों का रास्ता? He wants to follow the path of blessed people। वो चाहता है उन लोगों के रास्ते पर चलना जिन पर तेरा, यानी जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ या जिन पर अल्लाह ताला की रहमत हुई। ब्लेस्ड पीपल मैंने वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत हुई, तो वो चाहता है उन लोगों के रास्ते पर चलना जिन पर अल्लाह ताला की रहमत हुई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज आई एंड हु इज यू इन द पोएम। पोएम के अंदर आए जो है वो किसकी तरफ इशारा है और पोएम के अंदर जो यू है ये किस चीज की तरफ इशारा है? अब आए और यू दोनों प्रोनाउन है, तो इसका आंसर ये है द प्रोनाउन आए रेफर्स टू द पोएट। जो प्रोनाउन आए है ये शायर की तरफ इशारा है, एंड द प्रोनाउन यू टू अल्लाह, और जो प्रोनाउन यू है वो अल्लाह की तरफ इशारा है। The pronoun I refers to the poet and the pronoun you to Allah। Question number 3, what is the poem about? ये नज़म किस चीज़ के मुतल्लिक है? अब यहाँ पर अबाउट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नज़म अल्लाह ताला से रहनुमाई के बारे में है, तो इसका आंसर इस तरह से होगा द पोएम इज अ प्रेयर। ये नज़म एक दुआ है। It is about the importance of praying to God for His guidance in life। ये नज़म एक दुआ है और ये दुआ इस बारे में है कि अल्लाह ताला से दुआ करना for His guidance, उसकी रहनुमाई के लिए जिंदगी के अंदर, और दूसरे लफ्जों में ये इस पोएम का थीम भी है। अब क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि What is the theme of the poem? ठीक है, अच्छा इस तरह से पूछा जा सकता है कि what is the central idea of the poem? ठीक है, central idea भी पूछा जा सकता है, theme भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये नज़म किस चीज के बारे में है। तो अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सिंपल सा ये होगा कि द पोएम इज अ प्रेयर, कि नज़म एक दुआ है। इट इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेइंग टू गॉड फॉर हिज गाइडेंस इन लाइफ। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द रिपीटेड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नज़म के अंदर जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, यानी वो लफ्ज जो कि बार बार आए हैं, वो कौन कौन से हैं? अब इसमें पहला जो लफ्ज है वो है नीड, दूसरा लफ्ज है वे, तीसरा लफ्ज है दोस, चौथा लफ्ज है से, पांचवा आए, छठा यू, सातवां हु, एंड आठवां जो लफ्ज है वो है दिस।
ठीक है. सो नीड वे दो से आई यू दिस, दीज आर द रिपीटेड वर्ड्स इन द पोएम. यानी कि ये जो लफ्ज हैं ये नज़म के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द पोएम प्रेयर. और ये जो पहले दो क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये टेक्स्ट में से हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपकी एक्सरसाइज में से हैं. एंड आई होप दैट जो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी कि सिंपल से इसकी जो है वो इसमें कोई ऐसा खास प्रॉब्लम भी नहीं है. और अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई आपको लगे कि कहीं पर कोई मसला है या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई या किसी आंसर में आपको किसी लफ्ज़ की स्पेलिंग का कोई इशू है, तो देन प्लीज टेल मी एंड आई विल एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट. थैंक यू वेरी मच.